नमस्कार, स्वागत है आपका सराफ सेहत में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानमणि। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपनी सेहत के बारे में सोच सके। ऐसे में लोग बीमार पड़ने लगते हैं, या पर ये कहें कि बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं, जिसके कारण हमें अपने अंदर कोई ऊर्जा महसूस नहीं होती। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज हम आपको हमारे खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में लैप्रोस्कोपी सर्जरी की जानकारी देने जा रहे हैं। अत्याधुनिक सर्जरी की विधि मरीजों को अधिक आराम और सहूलियतें पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। आज अधिकांश मेजर सर्जरी दूरबीन पद्धति से की जा रही है। इस सर्जरी के बाद मरीजों को ठीक होने और काम पर लौटने में कम समय लगता है। आज बेहतर दवाइयों और नई तकनीकों से हजारों मरीजों की जान बचाई जा रही है, जो पूर्व में संभव नहीं था। आज के इस प्रतिस्पर्धा जीवन में मरीज बेहतर इलाज की अपेक्षा रखते हैं, जो कि दर्द रहित, सुरक्षित, शीघ्र और किफायती हो। आज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑपरेशन मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। शल्य चिकित्सा पद्धति को ही होल सर्जरी या पिनहोल सर्जरी भी कहा जाता है। ये एक अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा पद्धति है, जिसमें पेट के ऑपरेशन बहुत ही छोटे चीरों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो आपको बता दें, लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या है इसके बारे में जानेंगे, और कई कई चीजें उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं, क्या उसके लाभ होते हैं, उनकी बात आज हम करेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे इस वक्त। लेप्रोस्कोपी क्या होती है, एंडोमेट्रियोसिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड चीजें आप जानेंगे। अंदरूनी अंगों में क्षति की जांच करने के लिए लेप्रोस्कोपी कितनी लाभदायक होती है, हाइटल हर्निया या इंग्विनल हर्निया को ठीक करने के लिए कितनी अच्छी साबित होती है, अंग निकालने के लिए जैसे गर्भाशय, स्प्लेन, पित्ताशय, अंडाशय, अपेंडिक्स के ऑपरेशन में कितनी कारगर साबित होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके द्वारा कोलोन और रिजेक्शन भी किया जाता है, पेल्विक में अचानक या लगातार होने वाले दर्द के कारण जानने के लिए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की और जानकारी देने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, जो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं लेप्रोस्कोपी होती क्या है। आपको बता दें, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। क्यों की जाती है लेप्रोस्कोपी और आजकल इसका चलन क्यों बढ़ता जा रहा है, लोग ज्यादा इस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं कि लेप्रोस्कोपी कराना ज्यादा अच्छा रहता है। तो स्वराज सेहत में आज लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुभाष अग्रवाल हमें उसके बारे में बताएंगे कि ये क्यों की जाती है। तो किन किन बीमारियों में लेप्रोस्कोपी सर्जरी की जाती है, इस बारे में भी आज बात करेंगे। सावधानी क्या क्या बरत सकते हैं इसमें, वो भी डॉक्टर साहब से आज जानेंगे। और टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं हमारे डॉक्टर से। आज हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में
डॉक्टर सुभाष मासा जुड़ रहे हैं, वो हमें बताएंगे लेप्रोस्कोपी क्या होती है, उसके क्या फायदे होते हैं और आजकल इसका चलन क्यों बढ़ता जा रहा है। लेप्रोस्कोपी को डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी कहा जाता है, आपको बता दें इसमें क्या डिफरेंस होता है ऑपरेशन और लेप्रोस्कोपी में, ये भी डॉक्टर आज हमको हमें बताएंगे। लेप्रोस्कोपी क्या होती है और किन स्थितियों में लेप्रोस्कोपी कराई जाती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अंदरूनी अंगों में क्षति की जांच करने के लिए भी लेप्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। और लेप्रोस्कोपी मुद्दे पर आज खास चर्चा हम करेंगे, जानकारी लेंगे डॉक्टर सुभाष जी से। सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाष जी सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमें दर्शकों को बताएं कि लेप्रोस्कोपी क्या होती है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। शरीर के अंदरूनी अंगों या पेट के अंदरूनी अंगों की जांच के लिए हम जो इसको यूज करते हैं उसको हम लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। और इसके द्वारा हम विभिन्न ऑपरेशन छोटे छोटे महीन छिद्रों द्वारा करते हैं जी। हम इससे ये मरीजों को फायदा होता है कि उन्हें कम समय पे ही हम छुट्टी कर सकते हैं जिससे कि वो अपने काम पर जल्दी लौट सकते हैं। डॉक्टर साहब जिस तरह से ऑपरेशन की अगर हम बात करें और लेप्रोस्कोपी की बात करें तो उसमें क्या फर्क रहता है, क्योंकि हम देखें अधिकतर लोग जो है ऑपरेशन ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम लेप्रोस्कोपी की अगर बात करें तो कई बार ऐसी चीजें आती हैं सामने कि लेप्रोस्कोपी में कुछ चीजें रहती हैं जो रह जाती हैं और ठीक तरह से जो ऑपरेशन होता है वो नहीं हो पाता है, तो ये दर्शकों को आप बताएं कि क्या कुछ फर्क रहता है और क्या कुछ इसके लाभ रहते हैं। ऐसी भ्रांति है लोगों में कि ऑपरेशन बड़े चीरे द्वारा जो होता है वो पूरी तरह सफल होता है और लेप्रोस्कोप से कुछ चीजें छूट जाती हैं, बट ऐसा है नहीं। अगर आप किसी स्पेशलिस्ट या जो कि बहुत एक्सपीरियंस सर्जन हैं उनसे अगर आप लेप्रोस्कोपी करवा रहे हैं तो सारे ऑपरेशन की विधि वही रहती है, केवल इसे ये किया जाता है कि छोटे छोटे महीन छेदों द्वारा हम अंदर इंस्ट्रूमेंट्स डाल करके और वही बड़े ऑपरेशन छोटे छोटे छेदों से करते हैं जिसको कि बड़े चीरों से पहले किया जाता था और आजकल उनको छोटे छिद्रों से करते हैं जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। और ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पूर्णतः सुरक्षित एवं मरीजों के लिए फायदेमंद है। अग्रवाल जी जिस तरह से हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि जो निसंतान है बांझपन जिनके अंदर है उनके लिए कितना लाभकारी है, क्योंकि काफी सारे एफर्ट्स लगाने के बाद आखिरी जो बातें सुनते हैं लेप्रोस्कोपी बचती है, तो उससे क्या कुछ निराकरण निकलते हैं। जी ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। और जो इनफर्टाइल कपल होते हैं या जिनको कि बच्चे नहीं होते बांझपन होता है उसमें लेप्रोस्कोप द्वारा अंदरूनी अवयवों और अंगों की जांच की जाती है कि उसमें क्या खराबी है और वो खराबी देख करके जो सर्जन है वो ये डिसाइड करता है, ये निष्कर्ष निकालता है कि इसको किस तरीके से दूर किया जाए। और अगर वो दूर होने के लिए तैयार है, मतलब पेशेंट रेडी है, तो उसी सिटिंग में उसको दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ लेप्रोस्कोप के अलावा हिस्ट्रोस्कोप भी एक ऐसी चीज होती है जिससे कि बच्चेदानी के अंदर की भी जांच की जाती है और उसमें कुछ ऐसी बीमारियां अगर पाई जाती हैं जिसके कारण बच्चे नहीं रुक रहे हैं तो उनको उसी समय उसी सिटिंग में उसका निराकरण किया जाता है जिससे कि मरीज के बच्चे पैदा करने की क्षमता बढ़ती है और उनको संतान प्राप्त करने की संतान उत्पत्ति का हम वो देते हैं। डॉक्टर साहब अगर हम कैंसर की बात करें तो महिलाओं में जो है गर्भाशय में कैंसर होते हैं, अपेंडिक्स होता है, उसके लिए कितना अच्छा ये साबित होता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर गर्भाशय में कैंसर है तो उसके लिए ऑपरेशन कराया जाए, लेप्रोस्कोपी ना कराई जाए।
नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। आजकल जो टेक्निक्स आ गई हैं उसमें गर्भाशय के कैंसर के लिए वर्डाइम्स ऑपरेशन जिसको कहते हैं, जी वो लैप्रोस्कोपी द्वारा जितने अच्छे से किया जा सकता है उतना ओपन सर्जरी द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ऐसी ऐसी जगहों पे जो कि हम रीचेबल नहीं है ओपन सर्जरी में, वहां पर भी हम पहुंच सकते हैं दूरबीन के द्वारा और उसको बहुत अच्छे से हम रिसेक्शन कर सकते हैं। जी तो ये कहना अनुचित है कि दूरबीन द्वारा कैंसर सर्जरी नहीं हो सकती। कैंसर सर्जरी दूरबीन द्वारा हो सकती है, लेकिन कैंसर सर्जरी के पेशेंट्स को हमें छांटना पड़ता है कि किस पेशेंट के ऊपर सर्जरी की जाए, किसके ऊपर नहीं की जाए। और अगर कैंसर ज्यादा फैला हुआ है और उसमें सर्जरी नहीं की जा सकती, जी तो पहले रेडिएशन या कीमोथेरेपी देके उसको इस तरीके का बनाया जाता है कि वो सर्जरी के लायक हो सके, तभी उसकी सर्जरी होती है। और दूरबीन द्वारा जो सर्जरी होती है वो ओपन सर्जरी के बराबर ही होती है, कहीं उससे कोई कम नहीं है। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से लगातार बता रहे हैं, इसके फायदे बता रहे हैं लेप्रोस्कोपी के, हम चाहेंगे दर्शकों को आप और फायदे बताएं, इनसे क्या कुछ फायदे होते हैं और किस तरह से सतर्क रहा जाता है। जी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन सारी पेट के सारे अवयवों का कर सकते हैं, जैसे कि पेट का फटना, अतड़ियों का फटना। अतड़ियों को अगर काट करके हमको रिसेक्शन एनास्टोमोसिस करना पड़े, कहीं अतड़ियां सड़ गई हैं उनको जोड़ना। इसके अलावा गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन, जैसे कॉलिसिस्टेक्टॉमी बोलते हैं हम, अपेंडिक्स के ऑपरेशन अपेंडिसेक्टॉमी है। जी दूरबीन द्वारा हम स्प्लीन या सॉलिड ऑर्गन्स के ऑपरेशन कर सकते हैं, लीवर के ऑपरेशन कर सकते हैं, लीवर में हाइड्रेटिड सिस्ट के ऑपरेशन कर सकते हैं, पेट के फटने के ऑपरेशन कर सकते हैं, या पेट में स्यूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट होती है उसके ऑपरेशन होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि आजकल रोज रोज हम इंक्लूड कर रहे हैं और उसमें महारत हासिल करते जा रहे हैं, जिससे कि दूरबीन द्वारा मरीजों को फायदा अनेकानेक बीमारियों में हम दे सकें। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से लेप्रोस्कोपी होती है और उसके बाद कई ऐसे मरीज आते हैं सामने जिन्हें लेप्रोस्कोपी हुई, जहां पर होती है जो होल रहता है वहां से किसी को खून निकलने की समस्या रहती है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस ड्यूरेशन में क्या कोताही बरती जाए? जी, ये कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, अगर आपने देखा हो कि मरीज अगर कोई सावधानी नहीं बरत रहा है, पोस्ट ऑपरेटिवली वो ये सोचता है कि हमारा ऑपरेशन तो बहुत छोटा हुआ है, छोटे छिद्रों से हुआ है, और वो दूसरे या तीसरे दिन से ही डॉक्टर सारे साहब, मैं यहाँ एक्टिविटी पर आपको करना रोकना चाहता है, चाहूंगी, हमारे तो साथ ये दर्शक जुड़ चुके समस्या आ हैं, सकती रोहित कि। कुमार जुड़ चुके हैं। रोहित जी, सवाल कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो सर्जरी है इसको नमस्कार करवाने के जी। बाद क्या खान पान में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? सर्जरी से तो ठीक है, हम स्वस्थ हो गए, उसके बाद खान पान में क्या कोताही बरतें तो जिससे आगे ये समस्या ना हो? जी रोहित जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। खान पान के बारे में ऐसा है कि जो भी परहेज हम ओपन सर्जरी में करते हैं उससे कहीं कम परहेज हमें इसमें करना पड़ता है, क्योंकि जो ओपन सर्जरी में जो चीरा लगता है वो करीब करीब 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया जाता है, और उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना या पकने की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो उसमें खान पान में हमें परहेज जो रहता है वो ज्यादा लेना पड़ता है, ज्यादा दिन तक लेना पड़ता है। पर दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशन होता है उसमें हम दूसरे या तीसरे दिन से ही मरीज को पूरा खाना दे सकते हैं और हमें कोई भी परहेज ऐसा नहीं करना पड़ता जिससे कि उसे मरीज को कोई तकलीफ हो या उसके खान पान में कोई चेंजेस हमको करने नहीं पड़ते। पर हाँ, तेल तलन या मिर्च मसाला ये हम थोड़ा कम रखें खाने में तो बहुत अच्छा रहता है मरीजों के लिए। वाकई, मैं लगातार फिर से दर्शकों को बताना चाहूंगी, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी कुछ जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके। सर, मैं आपसे जिस तरह से पूछ रही थी, किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को चक्कर आना, उल्टियां शुरू हो जाती है, तो उस पर उस समय क्या कोताही बरती जाए? जी, तो ब्लीडिंग का तो मैंने बताया कि आपको वो कारण क्या हो सकते जी हैं, पर हाँ, जहाँ तक चक्कर आने का सवाल है वो कमजोरी की वजह से होता है, तो उसमें हम आईवी फ्लूड्स अगर देते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली तो वो कम हो जाता है। और
बाद में हम उसको कुछ इलेक्ट्रॉल बेस्ड वाटर्स ये सब दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पानी जिसको बोलते हैं वो सब पीने के लिए दे सकते हैं, फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा दें और खाने पीने में कोई कमी ना करें मरीज की। पर हाँ, अगर उल्टी हो रही है तो फिर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस कारण से हो रही है, क्या वो पोस्ट ऑपरेटिव बेहोशी की दवाइयों के कारण हो रही है या फिर वो कुछ ऐसी कारण से हो रही है जिससे कि ऑपरेशन में कहीं कोई गलती हुई है, या तो ये चीजें ये चीजें हमें इन्वेस्टिगेशंस या सोनोग्राफी या इसके बाद के इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद पता चल पाएगी, चल पाती है, तो उस स्थिति में हमें लिक्विड्स या फ्लूइड्स रोकने पड़ते हैं और एंटी एमेटिक दवाइयां या इंजेक्शन हमको देने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम खर्चे की बात करें तो लोगों के मन में ये आता है कि ऑपरेशन में कम पैसा लगेगा, लेप्रोस्कोपी में ज्यादा लगेगा, तो वो ज्यादा उस तरफ रुख करते हैं ऑपरेशन की तरफ कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा और पैसे भी कम लगेंगे, तो इसमें आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि जो ऑपरेशन ओपन सर्जरी से हो सकते हैं या ओपन विधि से हो सकते हैं वो लैप्रोस्कोपी से होते हैं, और लैप्रोस्कोपी आज इतनी सस्ती हो गई है, आज थर्ड सी क्लास सिटीज में भी आ गई है और हमारे घर के बाजू वाले नर्सिंग होम में भी लगता है आपको कि पता कर सकते हैं वो अवेलेबल हो, और हाँ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आज हम हिंदुस्तान के अंदर ही बना रहे हैं, लैप्रोस्कोप हमारे यहाँ बन रहे हैं, तो काफ़ी कम हम लोगों ने ये इसको कोशिश करके काफ़ी कम दामों में करने की कोशिश की है, और आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि रायपुर के अंदर ये सर्जरी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार के अंतर में ओपन सर्जरी से होती है, इसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा खर्च में फर्क नहीं आता, और आज देश में आयुष्मान योजना, हमारे प्रदेश में अलग अलग योजनाएं जो सरकारें चला रही हैं उसमें छोटे नर्सिंग होम्स और मिड साइज नर्सिंग होम्स में ये मुफ्त सुविधा उपलब्ध है मरीजों के लिए, तो ये कहना अनुचित है कि ये महंगी है या इसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है। डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपी की अगर हम स्टेप बाय स्टेप की बात करें किस तरह से होती है, और जब कोई भी लेप्रोस्कोपी कराने जाता है तो उससे पहले क्या कुछ चीजें जो हैं उन्हें फॉलो करनी चाहिए, रूल्स फॉलो करने चाहिए, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, लेप्रोस्कोपी हम या तो इमरजेंसी में करते हैं या फिर हम प्लांट सर्जरी करते हैं। अगर इमरजेंसी में करना है तो फिर तो ये है कि मरीज की जान बचाने के लिए हमको तुरंत उसको ऑपरेशन में लेना है, तो हम कोई प्रिकॉशंस उसको नहीं बता सकते। ये जरूर है कि कुछ 4-5 घंटे हम खाली पेट रख के उसको हम ऑपरेशन के लिए ले लेते हैं, पर जो मरीज प्लान्ड हैं, जिनको हम प्लान करते हैं सर्जरी के लिए, उनको एक दिन पहले से हम लिक्विड डाइट चालू करते हैं, एक दिन पहले उनको हम ऐसे लैक्सेटिव्स देते हैं जिससे कि वो उनकी जो अंतड़ियां हो खाली हो जाए, पेट साफ हो जाए, और हमको ऑपरेशन के दौरान कहीं कोई ऐसे प्रॉब्लम ना आए जो कि जैसे अतड़ियां सूजी हुई हो या सूजन रहे तो लैप्रोस्कोप डालने में हमें दिक्कत होती है, या कभी कभी ये होता है कि लैप्रोस्कोप डालते समय अतड़ियों में पंचर हो जाता है या छिद्र हो जाता है, वो सब बचाने के लिए हमें पेशेंट्स को एक दिन पहले से लिक्विड डाइट पे रखना है और उनको लैक्सेटिव्स दे करके पेट उनका साफ रखें, तो यही हमें सावधानी बरतनी है, यही उनको हिदायत देनी है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लैप्रोस्कोपी होती है उसके बाद ऐसी कोई चीजें जिस वजह से पेशेंट को कुछ जोखिम उठाना पड़े, ऐसी कोई लापरवाही जो आप बताना चाहें कि वो लापरवाही पेशेंट ना करे आगे से? जी हाँ, जैसे हर्निया के ऑपरेशंस में ये जरूर मैं कह सकता हूँ। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, से हमारे साथ दर्शक राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछे। जो बांझपन की शिकायत कुछ महिलाएं होती हैं और कई बार उसकी ये भी शिकायत रहती है कि क्या कभी आने वाले समय में बच्चा जन्म ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, तो क्या उसमें भी लेप्रोस्कोपी सहायक सिद्ध हो सकती है? ये एक बड़ा ऐसा सवाल रहता है जो पूछने में अक्सर आता है,
क्या इसके लिए भी कोई डॉक्टर राय दे सकते हैं इसके लिए? हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, इसका मैं जवाब दूंगा आपको। और लैप्रोस्कोपी द्वारा हम स्त्री के जनन अंगों जो कि यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज, इनका इंस्पेक्शन हम अच्छे से कर सकते हैं। इनमें कहीं कोई खराबी हो तो उसको उसी समय दूर भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने कि पहले भी बताया कि दूरबीन द्वारा हम बच्चेदानी के अंदर की जांच, जिसको हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, वो भी करके हम ये देख सकते हैं कि बच्चेदानी में कोई खराबी तो नहीं है। और अगर वो खराबी हमें मिल जाती है तो उसी सिटिंग में, उसी क्षण हम उसे दूर कर सकते हैं, जिससे कि माता मतलब महिला के जो बांझपन का निदान हम दे सकते हैं उसको। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे लगातार, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या क्या जोखिम उठा सकते हैं लोग अगर ये कोताही नहीं बरती गई लैप्रोस्कोपी के बाद? जी, तो मैंने ये कहा कि आपको कि हर्निया सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें कि हम बाहर से जाली, जिसको कि हम मैश कहते हैं, वो हम लगाते हैं जो कि एक फॉरेन बॉडी रहती है। अगर मैश लगाने के बाद मरीज ज्यादा एक्सरसाइज या वजन उठाना ये सब चालू कर देता है कुछ ही दिनों के अंदर, तो हर्निया जो है वो रिकरेंस हो सकता है या फिर से उसको हो सकता है। तो ये उसको सलाह दी जाती है कि भाई आप 3 हफ्ते से लेकर के 3 महीने के बीच बहुत कम वजन उठाएं, या जो रूटीन में आपको कोई वजन उठाने का हम सलाह नहीं देते, या बहुत ज्यादा व्यायाम की सलाह हम उनको नहीं देते। अगर हम बात करें लैप्रोस्कोपी की, उसके बाद कोई ऐसी चीजें होती हैं जिस वजह से कोई परेशानियां फिर से उत्पन्न हो जाएं कि लैप्रोस्कोपी पूरी तरह से देखें, हम 100% वैसी सर्जरी रहती है जिसमें आगे कोई परेशानी नहीं होगी? हर सर्जरी का एक अपना कॉम्प्लिकेशन होता है, ऐसा बोलना तो ठीक नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। कॉम्प्लिकेशन पोर्ट्स जो हम बनाते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र बनाते हैं, उनसे भी, उनमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उनमें दर्द, जैसे आपने पहले बोला, ब्लीडिंग हो सकती है, दर्द के साथ इन्फेक्शन हो सकता है, या कभी कभी ये देखा गया है कि वहां से हर्निया हो जाता है, जिसे पोर्ट हर्निया कहते हैं, पोर्ट इन्फेक्शन कहते हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन लैप्रोस्कोपी सर्जरी में भी हो सकते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक अखिलेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। एक आम भाषा में किस तरह आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लैप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि दूरबीन द्वारा सर्जरी। दूरबीन जो है वो सर्जन की आंख बन जाती है, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हम छोटे छोटे छिद्रों से अंदर डालते हैं पेट के अंदर, वो हमारे हाथ बन जाते हैं। तो जैसे हम ओपन सर्जरी में अपनी आंखों और हाथों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में दूरबीन, जिसको कि हम कैमरे से अटैच करके स्क्रीन में देखते हैं, और हाथ, जिसको हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को हमारे हाथ बन जाते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स से हम सर्जरी करते हैं, जिससे कि बड़ी सर्जरीज भी छोटे छोटे छेदों द्वारा की जा सकती हैं। इसे ही लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है, और इससे आम आदमी को बहुत ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वो एक लंबे और बड़े चीरे से बच जाता है, और उस चीरे से बचने की वजह से वो बहुत जल्दी अपने काम पे लौट सकता है, काम करने लायक हो सकता है, और उसको कम तकलीफ और कम दर्द में ही बड़े ऑपरेशन हो सकते हैं। अग्रवाल जी, आखिरी सवाल, आप दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो दर्शकों को ये सलाह देना चाहूंगा कि अच्छा खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, बीमारियों से दूर रहें, और अगर जरूरत पड़े किसी सर्जन की तो ये कोशिश करें कि दूरबीन से ही सर्जरी करवाएं,
जिससे कि आपको कम समय में स्वास्थ्य लाभ मिल सके। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए। और स्वास्थ्य सेहत में आज इतना ही, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।